चलो देखो सुनो, सबसे पहले आपकी ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट किसका, एक्सरसाइज 8.2 का, ठीक है। मतलब 8.2 के लिए पूरा का पूरा एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे, पूरा एक्सरसाइज यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ एंगल है जिसका वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला है 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, ठीक है। देन आपको क्या करना है 45 डिग्री, ठीक है। देन क्या करना है आपको 60 डिग्री, देन आपको 90 डिग्री, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है। अगर इधर टी रेशियो में देखा जाए तो साइन थीटा, देन कॉस थीटा, ठीक है, उसके बाद टैन थीटा। आपको ऐसे याद रखना है, टैन का जस्ट उल्टा इसके नीचे याद रखेंगे कॉट थीटा, और कॉस के नीचे वाले को सेक थीटा को यहां लिखेंगे, सबसे लास्ट वाले को उसके रेसिप्रोकल को सबसे नीचे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अब इसकी वैल्यू को कैसे लिखना है, तो साइन 0 0 होता है, ठीक है, ऐसे। साइन 30 जो है ये 1/2 होता है, ठीक है। साइन 45 आपको पता है 1/2 होता है, ठीक है। साइन 60 की बात कर ले तो √3/2 होता है, और साइन 90 बात 1 या 0, साइन 90 1, ठीक है। कॉस 0 1, ठीक है। कॉस 30 √3/2, ठीक है। कॉस 45 ठीक है। कॉस 60 ठीक है, और कॉस 90 0। उसी तरीके से टैन 0 0, टैन 30 ठीक है, टैन 45 टैन 60 और टैन 90 ठीक है, गुड। उसके बाद कॉट, तो आपको पता है 0 का रेसिप्रोकल 0/1 1/0 बोले तो नॉट डिफाइन, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल करा जाए √3 1/1 का रेसिप्रोकल 1/1 कितना √3, और इसका कितना कोई दिक्कत है इसमें। अच्छा sec थीटा का देखा जाए तो cos का रेसिप्रोकल करना है 1/1 का उल्टा, ये आपको दिख रहा है। 2/1 में कितना लिख सकते हैं आप √3, यहाँ पे कितना √2, नेक्स्ट कितना लिख सकते आप 2, और इसका नॉट डिफाइन, ठीक है। चलो cosec थीटा की बात करा जाए तो इस cosec 0 बोले तो नॉट डिफाइन, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद कितना ये 2 आएगा √2 आपको दिख रहा है ना, 2/1 में √3, और उसके बाद कितना ये है ना 1, ठीक है। तो ये बस अपने को इस एक्सरसाइज के लिए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, तो अपने को क्या करना है कि इतना याद करके अपने क्वेश्चंस करना है, ठीक है। तो अगर आप लोग सबको याद ही आओ सीधा क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट, ठीक है, एक एक करके अपने को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो ये याद रखना है, ये नहीं कि इसमें जो है अभी एक दो बात मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है, जो अपने काम कर, ठीक है। देखो सुनो, सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री, इसका मेजर यूज है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले एक दो बात समझो। देखो अगर मैं पूछता हूँ कि साइन ए और इज इक्वल टू साइन बी है, खुद ध्यान से समझ, साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, तो देखो आपसे पूछा जाए कि बताओ ए और बी क्या होगा, तो देखो तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ पे कि कौन सी ऐसी वैल्यू है ए के लिए और इस बी के लिए जिससे ये दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम होता है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा चीज समझाऊ तो ये समझो, मतलब अगर मैं ए के जगह पे 45 डिग्री रख लू कितना रख लू 45 डिग्री, बी के जगह पे भी अगर मैं 45 डिग्री रख लू तो इधर वाला आंसर 1/√2 और इधर वाला आंसर भी 1/√2। इधर ए के जगह पे 30 डिग्री रखू और बी के जगह पे भी अगर 30 डिग्री रखूंगा तब जाकर के बराबर होगा, मतलब ये जो बात लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ, इससे आप ये सीखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए होना चाहिए वो बी के बराबर होना चाहिए, यानी जितना आप ए रखेंगे उतना ही आप बी रखेंगे तभी ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होगा बराबर होगा। अगर मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो साइन 0 0 है ना, और बी के जगह पर भी अपने को 0 रखना पड़ेगा, इधर 30 डिग्री इधर भी 30 डिग्री, इधर 45 इधर भी 45, तब जाकर के ये बराबर होगा, ऐसा नहीं, मतलब अगर सेम में ये चीज बराबर होता है इसका मतलब ये भी आपस में क्या होगा बराबर होगा, ठीक है, ये चीज पहले समझो। दूसरा इससे ज्यादा जरूरी है कि इस बार अगर मान लेते हैं कि साइन लिख दिया यहाँ पे ए लेकिन इधर लिखा हुआ रेड से कॉस बी है ना, तो समझना पहले ध्यान से, साइन ए बराबर कॉस बी वो छोड़ो, आप मुझे बताओ
कि वो कौन सा एंगल है जिसके लिए साइन और कॉस दोनों की वैल्यू बराबर होती है। बोलो वापस से। आपको पता है कि साइन 45 डिग्री जो होगा वो हमारा कॉस 45 के बराबर आता है ना। इस केस में भी हमको दिख रहा है कि ए क्या है, बी के बराबर है, ठीक है। अच्छा अगर साइन ए इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कॉस ए दिखा दू तो आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई वो कौन सा एंगल है जिसके लिए ये दोनों बराबर होगा, तो एंगल हमारा क्या होगा 45 डिग्री। बी की बात करी जाए, अब जो बी है उसको समझो, यहाँ पे ध्यान रखना। अगर मैं आपसे एक एक करके पूछूं तो मुझे आप बताएंगे कि अगर मैं साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी लिख रहा हूं, ध्यान देना, तो मुझे बताओ अगर मैं इस ए के जगह पे 30 डिग्री लिख रहा हूँ, ए के जगह पे 30 डिग्री मतलब साइन 30 लिखे तो बताए बी के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा ताकि दोनों रिजल्ट बराबर है, कॉस 60 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कॉस 60, क्योंकि पता है साइन 30 कितना होता है 1/2 है ना, और कॉस 60 कितना होता है, बोलो कॉस 60 भी हमारा 1/2 हो जाए। यानी हम क्या देख रहे हैं कि जो वैल्यू साइन 60 पे होता है वो वैल्यू कॉस 30 पे होता है ना, जो साइन 60 पे होगा उधर वो कॉस 30 पे होगा, ये सब चीजें ध्यान रखना है। लेकिन एक वैल्यू है जिसपे साइन और कॉस दोनों बराबर होता है वो 45 डिग्री होता है, कितना होता है 45 डिग्री, ठीक है। ये सब बेसिक बेसिक बात आपको ध्यान रखना है, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, और इसको देखना आपको। चलिए कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप देखेंगे। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, ठीक है, पहला सवाल आपको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले ये दो सवाल आपको सॉल्व करना है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, इसको ट्राई करो। चलो देखो, सुनो, यहाँ पे सबसे पहले साइन 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, रूट थ्री बाई टू, बस सारा वैल्यू का गेम है। कॉस 30 आपको पता है कितना होगा, रूट थ्री बाई टू है ना। देखो जो साइन 60 होता है वही कॉस 30 होता है, हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। प्लस में साइन 30 आपको पता है 1/2 होता है, और कॉस 60 भी हमारा कितना होता है 1/2 होता है। इसको सिंपली सॉल्व कैसे करना है अपने को, तो यहाँ पे सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, नीचे कितना होगा 4, और प्लस में उसी तरीके से 1/4 में कितना लिख सकते हैं 4, ठीक है। आपको दिख रहा है, अगर आप यहाँ से क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो 4 का एलसीएम 4 आएगा, ऊपर में 3 + 1 सबको पता है ये 4 होगा, तो 4/4 जो है हमारे पास कितना जाएगा 1, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो 2 के जगह 2 लिखेंगे, टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो आपको टेन 45 की वैल्यू पता है 1, तो आप 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस में कॉस 30 की वैल्यू पता है कितना होता है रूट थ्री बाई कितना 2, इसका क्या करना आपको स्क्वायर, माइनस साइन 60 भी पता आपको रूट थ्री बाई टू, इसका क्या करना आपको स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, प्लस माइनस 3/3 कितना आएगा 4। देखो यहाँ पे गलती कई बार हो जाता है, बच्चा 2 ही लिख देता है, देखो पूरे का स्क्वायर है, इसको दोबारा अपने को गुणा करना है, माइनस में ये कितना लिखेंगे 3/4, थोड़ा समझदार बने, प्लस माइनस कैंसिल आउट करिए, 2 ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये शुरू के पहले एक्सरसाइज से ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसका तीसरा वाला आ रहा है, क्या इसका तीसरा वाला भी आ रहा है, हाँ थर्ड नंबर पे आते हैं। चलो थर्ड नंबर लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा देखो, कॉस 45 डिग्री है, अपॉन में यहां पे लिखा हुआ है सेक 30 डिग्री और प्लस में कॉस 30 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, इसका चौथा भी लिख लेते हैं, ठीक है, साइन 30 डिग्री प्लस में टैन 45 डिग्री माइनस में कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अपॉन में आपको क्या करना है, सेक 30 डिग्री
प्लस में कॉस 60 डिग्री और प्लस में कॉट 45 डिग्री, ये आपको लिखना है ठीक है। तो आप देखो क्वेश्चन पे, आपको देखो कॉस 45 तो पता है कि 1/√2 होता है, डायरेक्ट कर दोगे। देखो कॉस 30 कितना होगा, कॉस 30 तो √3/2, तो ये कितना होगा 2/√3, कितना होगा 2/√3, इसके जगह पर 2/√3 लिखेंगे और यहाँ पर प्लस लिखा होगा, क्या लिखा हुआ है प्लस। अच्छा साइन 30 कितना, 1/√2 कितना 2। अच्छा अब एक चीज समझो, यहाँ से इसको सॉल्व करने में अगर आपको दिक्कत होता है तो आप एक चीज समझिए, इसका एलसीएम ले लीजिए नीचे सबसे पहले, पहले नीचे वाले को सॉल्व करिए, मतलब ऊपर आपके पास 1/√2 दिख रहा है उसको एज इट इज लिख करके आओ ठीक है। यहाँ देखो अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो नीचे √3 आएगा, कितना आएगा √3, ऊपर आपको 2 दिख रहा है और प्लस में कितना 2/√3 आएगा, अरे समझे। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या है, एक छोटा चीज समझो, ये पूरे फंक्शन के साथ इसको डिवाइड किया गया, क्या किया गया डिवाइड। तो इधर देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये 1/√2 को आप ऐसे लिख लो ठीक है, और इसको डिवाइड करना इसके साथ, जैसे आप डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई वाला ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और नीचे ये 2 प्लस में कितना, ये 2√3 आपको यहाँ पे ऐसे दिखेगा, कोई दिक्कत। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, तो यहाँ देखो सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ठीक है, तो ऊपर में कितना दिख रहा है आपको √3 और नीचे में रूट के वाले को रूट वाले से गुणा करना है। अच्छा बीच में आपका प्लस है, क्या है प्लस, याद ध्यान रखना है। तो देखो अगर मैं √2 में गुणा करने जाऊं किसके साथ, 2 प्लस में 2√3 को ठीक है। अब आपको इसको खोलना है, यहाँ से आपको अगर खोलते हो तो √3 आ गया है ना, आप इसको कितना लिख सकते हो 2√2 है ना, और प्लस में कितना 2√6 लिख सकते हो ठीक है। अगर आपको ये इरेशनल लग रहा है तो रेशनलाइज भी आप कर सकते हैं, 2√2 और माइनस में 2√6 से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और भी आप इसको रेशनल के फॉर्म में दिखा सकते हैं ठीक है। आपको एक बार आंसर देखना है कि इस फॉर्म में है, अगर आप रेशनलाइज करने जाओगे तो आप देखो कैसे रेशनलाइज करेंगे, √3 को अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर एक बार जरा ध्यान से देख लो, 2√2 लिखा हुआ है प्लस में, ये 2√6 लिखा हुआ है, अपने को मल्टीप्लाई करना है 2√2 माइनस में 2√6 से, नीचे कितना दिख रहा है 2√2 और माइनस में कितना 2√6। अच्छा ऊपर ऊपर गुणा करना है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे √3 में गुणा कर देना आपको 2√2 माइनस में 2√6 से, नीचे a प्लस बी टू में a माइनस का b दिख रहा है, हम क्या कर सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं है ना, a का स्क्वायर माइनस में है ना 2√6 का होल स्क्वायर, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√ के अंदर 6 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में कितना 2√18। देखो 2√18 लिख लो, या इसको मैं एक और चीज समझाता हूँ, देखो रूट के अंदर 18 का मतलब होता है कि 3√ आप इसको 2 लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो 3√2, तो ये अगर ये अंदर वाले से गुणा होगा तो अंदर में तो 3 बार आ जाएगा, तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं माइनस में 6√ के अंदर 2, नहीं ऐसा हमने थोड़ा सा देखो मैं आपको समझाता हूँ, इधर 18 है और इसके आगे 2 लिखा हुआ, तो इसको कुछ नहीं करना है, क्या करना है इधर 2 से गुणा करना पड़ेगा, यही चीज है ना, 3 × 2 कितना हो गया 6√ के अंदर कितना 2 आ गया, हम 6√2 लिख सकते हैं। अच्छा अब एक चीज समझो, नीचे क्या चल रहा है आप ध्यान दीजिए, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दिया, पीछे माइनस का माइनस, इधर देखो इधर 2 को 2 बार गुणा करोगे 4 और ये 2 बार गुणा करोगे तो 2 आएगा, 4 × 2 कितना हो गया 8 ठीक है, और माइनस में ये 2 × 4 और 6 × 24, आप यहाँ माइनस में 24 लिखोगे, सबको पता है। उधर देखो ये दोनों में अगर आप कॉमन करोगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन करते रूट के अंदर 6 आ रहा है और माइनस में 3√2 के अंदर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, कोई दिक्कत। अच्छा थोड़ा और भी कॉमन कर सकते हैं, मैं दिखाऊंगा कैसे, अभी देखो 8 में से 16 किया, 8 में 24 जाएगा माइनस में कितना 16, इसको कितनी बार काट लोगे 8 बार। अच्छा ये माइनस नीचे अच्छा नहीं लगता, कहाँ शिफ्ट करोगे ऊपर, तो आप क्या करना देखो जरा ध्यान से, ऊपर अगर आप रखते हैं तो ये रूट के अंदर 6 है ना और माइनस में कितना है ना 3√2 दिख रहा है, और नीचे वाला जो माइनस है उसको हम ऊपर शिफ्ट कर दे रहे हैं और नीचे कितना है 8 लिखा हुआ। अच्छा एक चीज देखो, इसके अंदर √2 है कि नहीं है, इसके अंदर भी √2 है, √2 बाहर आ सकता है, बोलो ये सुनो ध्यान से देखो, अगर मैं √2 को बाहर करूंगा इसको √2 को, देखो मैं √2 बाहर कर दिया, खुद ध्यान से देखो, लेकिन होगा क्या कि अगर आप √2 को बाहर निकालोगे और इससे अगर इसको काटने जाओगे तो नीचे वाला भी फिर इरेशनल बन जाएगा, तो हमको यहीं पे इसको क्या कर देना है छोड़ देना है ना, अगर आप खोलोगे तो ये माइनस का और ये माइनस माइनस प्लस का ऐसे लिख सकते हो, मतलब माइनस का रूट के अंदर कितना 6 और प्लस में कितना ये 3√2 है ना, इसके हिस्से भी 8 और इसके हिस्से भी
आर है, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़े इस क्वेश्चन का। ये किसी को नोट करना है तो पहले नोट करो। देखो सुनो, अब इस क्वेश्चन को देखो, साइन 30 का वैल्यू आपको बताइए जल्दी से। 1/2 बताए प्लस में टेन 45 और माइनस में देखो कॉस 60 मत याद करो, साइन 60 याद करो। रूट 3/2 होता है तो ये पता चलेगा 2/3 कितना, रूट 3। कोई दिक्कत है क्या? नीचे सेक 30 याद करो, कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है रूट 3/2, तो ये कितना होगा 2/ में रूट 3 प्लस में साइन 60 कितना होता है रूट 3/2, तो ये भाई प्लस में 1 कॉस 60 कितना 1/2 कॉस 60 1/2 ठीक है, उसके प्लस में कॉस 45 1 होता है। अच्छा इसको सॉल्व करना है तो देखो अपना अपना तरीका सॉल्व करने का। आप एलसीएम ले लीजिए सबसे पहले, नीचे एलसीएम कितना आएगा 2√3 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर में √3 आएगा, प्लस में कितना 2√3 आएगा और माइनस में कितना आएगा ये 2 × 4, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा अभी अपने को डिवाइड करने जाना है, ध्यान देना, डिवाइड करोगे एलसीएम में वही आएगा 2√ कितना 2√3 आएगा। ठीक है, ऊपर में अपने को क्या करना है, यहाँ से 2 × 4 आएगा, ठीक है ये 4 आ गया कितना, देखो इधर इधर सुन लो, इसको इसे डिवाइड करोगे 2 आया, 2 में 2 से गुणा करो 4 आ जाएगा, बिकॉज प्लस लिख रहा है। अच्छा ये 2 2 को खा जाएगा, ऊपर में कितना √3 आएगा और प्लस में कितना है 2√3। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अच्छा ध्यान रखेंगे डिवीजन चल रहा है। अच्छा देखो 2√2 से 2√2, 2√3 से 2√3 खत्म। अच्छा इधर देखो ये जैसा दिख रहा है दोनों सेम है ना, तो सेम को क्या करते हैं 2 × √3 और 1 × √3 मिलकर 3 × √3 और माइनस का कितना 4। नीचे आपको दिख रहा है ये कितना 3 × √3 और प्लस का क्या 4। ठीक है, अगर आपको स्लाइस करना है तो आप करेंगे, नहीं तो यही पे आप छोड़ देंगे, कोई दिक्कत? चलो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, स्लाइसिंग करना होगा तो कर लोगे ना, तो बताओ आगे एक बार देख लो, अगर स्लाइस करना होगा तो 3√3 माइनस में 4 है ना, और यहाँ पे 3√3 माइनस में 4। ठीक है, यहाँ देखो अगर आप ऊपर देखोगे यहाँ पे तो आपको 3√3 और माइनस 4 का होल स्क्वायर दिख रहा है, दो बार लिखा हुआ है ना ये दोनों, और नीचे आपको दिख रहा है 3√3 का स्क्वायर और माइनस में 4 का अपने को क्या करना है स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आप कैसे खोलेंगे देखो, 3√3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2 × a × b है। नीचे अगर हम खोले जाएंगे तो ये 3 × 9 = 27 होगा है ना, और माइनस में ये 16 होगा। ए की जगह पे आप क्या करेंगे 3√3 को रखेंगे और बी की जगह पे आप 4 को रखेंगे। याद देखो इसको खोलोगे तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, मतलब ये अपने पास 27 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 27 और प्लस में कितना 16 और माइनस में इसको सीधा गुणा करो 3 × 6 = 24, यानी 24√ के अंदर कितना 3। अच्छा 27 में से 16 जाएगा, 16 × 4 = 20 और 7 × 4 = 11 होता है, कितना 11। अब देखो इसको ऐड कर दो है ना, 7 × 6 कितना होता है 13। ठीक है, तो 13 का आप 3 लिख लीजिए। अच्छा उसके बाद 2 × 1 = 3 और 1 = 4, 43 आ गया, माइनस में कितना 24√ के अंदर कितना 3 है और नीचे कितना 11 लिखा होता है, एक बार 11 इसके हिस्से और एक बार 11 इसके हिस्से, ये रहा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो कई बार इसमें लाइन आपको करना पड़ेगा है ना, तो आप कोशिश करेंगे कि करके करें। यहाँ देखो सुनो वैल्यू आपको पता है, आप बताइए कॉस 60 कितना होगा 5 × 1/2 का होल स्क्वायर लिखना है, वैसे बॉक्स लिख करके इसका स्क्वायर लिखेंगे, प्लस लिख रहा प्लस लिख लेंगे 4 × ऑफ सेक, मत देखो कॉस, देखो सेक इसका उल्टा है, कॉस कॉस 30 कितना होता है कॉस 30 √3/2, तो कितना लिखेंगे इसको 2/ में √3 का क्या होल स्क्वायर लिखना है, माइनस टेन 45 सबको पता है 1 का क्या होल स्क्वायर। अच्छा डिवाइड बाय चल रहा है तो यहाँ पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो 1/4 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/4। ठीक है, इधर देखो प्लस में 4, हाँ वेरी गुड 16/3 माइनस का 1, यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ 1/4 कितना 4 प्लस 3/4 खत्म। अच्छा इधर देखो यहाँ देखिएगा, नहीं यहाँ देखो पहले देखो, यहाँ सुन दो इनका एलसीएम लोगे कितना है 12, ये आपको 5
यहाँ से देखो चार तीन बारह तीन यार पांच से कितना पंद्रह, यहाँ से कितना तीन चौका बारह सोलह चौका चौसठ ठीक है। यहाँ पहले समझो जो मैं समझा रहा हूँ इनका एलसीएम देखेंगे बारह आएगा चार में चार तीन बारह तीन से गुना करोगे पांच से पंद्रह प्लस में कितना यहाँ पे तीन से अगर देखा जाए चार आएगा सोलह चौका चौसठ और माइनस में बारह एकम कितना बारह। नीचे आपको दिख रहा है चार चार का एलसीएम कितना चार, ऊपर में आपको कितना दिख रहा है यानी एक प्लस में तीन यानी एक प्लस तीन कितना चार बटा चार। नीचे तो एक आ गया एक का कोई फायदा होना नहीं है तो अपने को क्या करना है यहाँ देखो अगर मैं यही पे यहाँ देखो ना डायरेक्ट इसमें से बारह चला गया तीन बचा तीन को इसको ऐड कर देते 67 और नीचे कितना एक होगा बारह है ना डिवाइड बाई वन है उसका कोई फायदा नहीं है। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर 67 अपॉन में क्लियर ठीक है कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। चलो याद है यहाँ पे टू टेन थर्टी सबको पता है वन बाय रूट थ्री ठीक है। नीचे वन प्लस में वन बाय रूट थ्री का होल स्क्वायर करना ठीक है। अब देखो इसको ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो ये दिख रहा है टू अपॉन में रूट थ्री और इसको डिवाइड करना है वन प्लस में वन बाय थ्री दिख रहा है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये रूट थ्री हो जाएगा। यहां से देखो क्या करना है आपको ये टू बाय रूट थ्री को ऐसे करने दीजिए इसका एलसीएम लेंगे तीन और ये कितना हो जाएगा चार चार बट्टा तीन है कितना है चार बट्टा तीन यानी डिवाइड करना है चार बट्टा तीन से तो तीन ऊपर चला जाएगा और चार नीचे रहेगा। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे खुद यहां से पहले समझो ये दो से दो का कम हो गया अच्छा इसमें से ये रूट तीन से एक बार रूट तीन बार में गया ये दिख रहा है रूट थ्री बाई टू। आपको पता है इसमें से साइन सिक्सटी जो होता है वो हमारा रूट थ्री बाई टू होता है तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है ए सही है ना। कॉस सिक्सटी वन बाई टू होता है टेन सिक्सटी हमारा रूट थ्री होता है और साइन थर्टी वन बाई टू होता है तो ये वैसे भी है ना तीनों नहीं होगा तो हमारा ये रहा इस क्वेश्चन का ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन का देखो सबको पता है टेन फोर्टी फाइव वन होता है हाँ। तो यहाँ पे देखो बिना पेन चलाए भी क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है वन माइनस का वन आएगा वन का स्क्वायर वन आता है वन में से वन के ऊपर तो जीरो बैठा हुआ है नीचे कुछ भी है जीरो में से भाग करेंगे कितना जीरो तो ये आपको क्वेश्चन खत्म होता है। यहाँ पे देखो साइन टू बराबर टू साइन ए लिखा है कहता है कि क्या ये बात सही है तो बताइए ए क्या होगा। तो एक काम करिए आप जरा देखिए पहले ध्यान से अगर हम क्या करते हैं खूब ध्यान से समझना है ना आसानी से चीजें समझना चाहिए। आप इसमें से ये जो भी चार ऑप्शंस दिख रहा है कोई भी एक ऑप्शन अगर आप रख करके देखते हैं तो आप देखिए मैं पहले ऑप्शन नंबर ए पुट करना सिखा रहा हूं ये जीरो डिग्री रखिएगा तो ये साइन जीरो हो जाएगा साइन जीरो जीरो होता है और यहाँ पे कितना होगा ए के जगह पे अगर आप देखो ए के जगह पे आप जीरो रख रहे हैं ए के जगह पे जीरो ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ वापस बोलो ए के जगह पे अगर हम जीरो डिग्री रखते हैं तो ये जीरो डिग्री रखने का मतलब हुआ कि ये टू टाइम्स ऑफ जीरो डिग्री का मतलब हो गया जीरो डिग्री होगा और है ना टू में अगर जीरो डिग्री से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जीरो डिग्री। देखो तो साइन जीरो जो होगा ये तो पूरा जीरो बन गया इसके जगह पे हम जीरो डिग्री रख दी है ना और इसके जगह पे भी हम जीरो डिग्री रख दी तो ये पूरी जो वैल्यू होगी साइन जीरो की तो जीरो हो गया जीरो में टू से मल्टीप्लाई होगा तब भी जीरो और अगर आप साइन जीरो की बात करेंगे तब भी जीरो तो ये जीरो डिग्री के लिए बात सही है ना यानी ए क्या है जीरो डिग्री। अच्छा एक और चीज देखते हैं पहले यहाँ पे अगर मैं 30 डिग्री रखता हूँ क्या रखता हूँ 30 ए के जगह पे 30 डिग्री रखना है ए के जगह पे 30 रखते हैं 60 हो जाएगा इस साइड में साइन 60 होगा और इस साइड में हम क्या करेंगे अगर हम 30 डिग्री रखते हैं समझिएगा जरा ध्यान से यहाँ से अगर मैं 30 डिग्री रखूंगा तो साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1 बाई 2 कितना होता है 1 बाई 2 वापस बोलिए 1 बाई 2 अगर 1 बाई 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आएगा तो इधर तो साइन 60 आ रहा है इधर 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 देखो ध्यान से हमने कहा ये साइन 60 है और साइन 60 की वैल्यू कितना होता है रूट थ्री बाई टू इधर अगर मैं 30 डिग्री रखूंगा तो साइन 30 की वैल्यू 1 बाई 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा मतलब एक तरफ 2 टाइम्स ऑफ साइन 30 आपको दिख रहा है इसका मतलब दो में जब आप 1/2 से गुणा करते हैं तो ये 1 आता है। तो मुझे बताइए ये दोनों बराबर है क्या आपस में नहीं है तो वैसे भी 30 डिग्री की बात सेटिस्फाई नहीं है। 45 डिग्री रखोगे यहाँ देखो जैसे 45 डिग्री रखोगे तो 90 डिग्री बन जाएगा क्योंकि दोगुना हो रहा है ना तो साइन 90 कितना होगा साइन 0 0 साइन 91 तो वो 1 आएगा और अगर ये 45 डिग्री यहाँ रखेंगे तो 45 1 बाई रूट 2 होता है अगर दो में 1 बाई रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2/2 में रूट 2 आएगा और इसको काटा पीटी करेंगे तो रूट 2 आएगा है ना। तो एक तरफ आपको वैल्यू में क्या आ रहा है एक तरफ जब हम रख रहे हैं तो 90 की वैल्यू
वन आ रही है और एक तरफ 45 की वैल्यू जो है वो हमारा कुल मिलाकर के रूट द्वारा, तो इसमें भी बात हमारा नहीं बन रहा है, 60 डिग्री पे भी बात नहीं बनेगी। इस साइड में 60 रखते वो रूट 3/2 से 2 का तो इधर रूट 3 आ जाएगा और इधर 60 रखेंगे तो 120 डिग्री आएगा। और साइन 120 डिग्री की वैल्यू के लिए हम अभी आपको अगले क्लास में मतलब बताएंगे कि कैसे 120 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप जरा एक बार देखिए, अगर मैं साइन 120 डिग्री का वैल्यू अगर आपसे पूछूंगा, ठीक है ध्यान दीजिएगा, साइन 120 डिग्री तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस में 30, लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, अब ये बन गया साइन ए और प्लस में बी, इसका एक फॉर्मूला होता है आपको लिखना है साइन ए कॉस बी और प्लस में कॉस ए साइन बी, ठीक है यहाँ पे इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। अब जरा देखो, अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो साइन 90 कितना होता है, साइन 91 है ना, और कॉस 30 पता है रूट 3/2, प्लस उसी तरीके से कॉस 90 जो है, कॉस 90 कितना होगा, कॉस 01 कॉस 90 जीरो, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा जीरो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3/2 क्या आएगा, 2 आएगा, इसका मतलब साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, रूट 3/2 होता है। ये सब चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। एक बार वापस से चेक कर लीजिए, देखो साइन ए कॉस बी और प्लस में कॉस ए साइन बी करते हैं, ए की जगह पे है तो साइन 00 साइन 91 और कॉस 30 की वैल्यू कितना होता है, 3/2 है ना। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, चलो याद रखो, ठीक है। तो ये समझ में आया कि इसमें सिर्फ कौन सा वैल्यू है, 0 डिग्री। तो ये रहा ये दो क्वेश्चन, ठीक है चलो। तो पहले आप इसको कॉपी करो फिर आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, ठीक है याद रखो। बस सिंपली इसका वैल्यू पुट करना है आपको, 2 tan 30 दिख रहा है तो 2 × tan 30 की जगह 1/√3, ठीक है अपॉन में 1 का 1/√3 का क्या करना है, ये बात पता ही आपको। अच्छा देखो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2 दिख रहा है ना, और नीचे कितना √3 दिख रहा है। अच्छा इधर देखो इसमें से बाहर कितना निकलेगा, 1/3 यानी डिवाइड करा जाए तो 1 का 1/3 कितना है 3। अब इधर देखो ओरली कैसे सॉल्व करेंगे, ये 3 × 3 है, 3 में से एक जाएगा 2/3 बचेगा, क्या बचेगा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2/3। तो यहाँ देखो ये 2/√3 है और इधर 2/3 है, तो ये 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, तो ये 2 से 2 खत्म और √3 से कितनी बार है, √3 बार, यानी ओवरऑल ये जो आंसर है वो कितना है, √3। तो इसमें से किसकी वैल्यू √3 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है कोई दिक्कत। चलिए आते हैं इसके सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे समझो ये क्या लिखा हुआ है, tan। अच्छा उसके बगल में क्या आता है, थीटा आता है, क्या आता है थीटा, वापस बोलो थीटा, मतलब tan थीटा है ध्यान रखना, और यहाँ पे tan थीटा आता है, बस थीटा की जगह पे ऐसे कुछ फोटो बना हुआ है। तो तुम्हें देखो मैं तुम्हें लिखने का पहले तरीका सिखाता हूँ, एकदम अच्छे से ध्यान देना। देखो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है tan a प्लस में b बराबर जहां पर √3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है √3, तो tan की किस वैल्यू के लिए √3 होता है, 60 डिग्री, तो आप इधर लिखेंगे tan 60 डिग्री, क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री। अब देखो tan के सामने tan दिख रहा है, yes, इसका मतलब इस थीटा के सामने हमको क्या दिख रहा है 60 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसमें a प्लस b जो है वो 60 डिग्री कितना है 60 डिग्री, ये हमारा पहला बात। दूसरा बात आप समझ, अगर मैं यहां से आपको बताऊं कि tan a माइनस का b जो लिखा हुआ है ना 1/√3 किसके लिए होता है, tan 30, वापस बोलो tan 30 डिग्री, तो आप tan 30 डिग्री लिखेंगे है ना, यहाँ से tan के सामने आपको tan दिख रहा है, इसका मतलब a माइनस b कितना है, a माइनस b आपका 30 डिग्री। अब आप ध्यान दो ये आपके पास बन गया इक्वेशन नंबर, आप दोनों को सॉल्व करो यहाँ पे, ठीक है एक बार ए प्लस में बी आपको 60 डिग्री दिख रहा था और एक बार आपको ए माइनस बी बराबर कितना दिख रहा है 30 डिग्री दिख रहा है। आपको क्या करना है, बी से बी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ये 2 times ऑफ ए हो गया बराबर कितना 90 डिग्री, मतलब ए कितना आ गया 45, ए तो 45 डिग्री आ गया। अब आपको बी निकालना है तो आप इसमें पुट कर दीजिए है ना, यानी आपको दिख रहा है कि ए प्लस में बी जो है अगर वो 60 डिग्री है तो ए की जगह पे आप कितना रखेंगे 45 डिग्री प्लस बी के जगह पे बी रख दीजिए ये 60 डिग्री आ गया, यहाँ से बी बराबर आप कितना 60 माइनस का 45 डिग्री, सबको पता है कि ये बी बराबर कितना आ गया 100 डिग्री। ये आपको ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा इसमें से गलती क्या हो सकता है, आप किसी किसी दिमाग में आ रहा हो कि अगर ए प्लस बी बराबर आप √3 लिख दीजिएगा, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है आपको ध्यान रखना है।
हम थीटा को इक्वेट कर रहे हैं, किसको? थीटा को। तो हम थीटा ढूंढेंगे ना, इधर थीटा कहाँ है, तो वो थीटा हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो ध्यान रखिए, लिख लीजिए पहले, समझो यहाँ पे देखो, देखो जनरली क्या है, मान लेते कि टेंथ क्लास के बच्चा को ये बात समझना है तो कैसे आप समझोगे? देखो ए और बी के जगह पर कोई भी एक वैल्यू ले लो, ए की जगह पर अगर मैं लेंस से 30 डिग्री ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ? 30 डिग्री। अच्छा, और बी के जगह पर हम 60 डिग्री ले रहे हैं, तो 30 डिग्री प्लस में 60 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर हम उसको ऐड कर सकते हैं, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। साइन 90 का वैल्यू 1। समझे पहले ध्यान से, ए मैंने बोला, मैंने यहाँ पे ए की जगह पे आपको बोला 30 डिग्री रख लो आप, और बी की जगह पे आप 60 डिग्री रख लो, आपने वैल्यू रखा 30 प्लस 60 मिलकर के 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना बन गया? 1। ठीक है, साइन 00 साइन 90 1। अच्छा, अभी आपने कहा है कि सर ए की जगह पे 30 डिग्री रखना था, हमने ए की जगह पे 30 डिग्री रख दिया, ठीक है, तो ये साइन 30 बन गया, और प्लस में बी की जगह पे हमने 60 डिग्री रखा तो वो साइन 60 बन गया। आप सबको पता है साइन 30 का वैल्यू हमारा 1/2 होता है, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 1/2 प्लस में √3/2 आएगा, जो कि 1 प्लस में √3/2 आएगा। मुझे बताइए इधर जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, कितना आ रहा है? 1। और इधर आ रहा है ये 1 प्लस √3/2, क्या ये दोनों सही है? बोलो सही है? नहीं, तो ये चीजें हमारा गलत है। वैसे भी आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपको नहीं पता तो आप एक चीज जान लीजिए, ठीक है, साइन ए प्लस में बी जो होता है इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखने का तरीका समझिए, आपको लिखना है एक बार साइन ए लिखेंगे आप, और उसके बाद कॉस बी लिखेंगे, और प्लस में कॉस ए लिखेंगे और साइन बी लिखेंगे। ये होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, क्या होता है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी, यानी साइन कॉस चल रहा है, आपको ध्यान क्या रखना है, एक बार ए एक बार बी एक बार ए एक बार बी, ऐसा होंगे, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है? थोड़ा सा डिस्कशन करते हुए मैं समझा दे रहा हूँ, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, रीजन आपको पता लग गया, तो आप इसमें गलती कर सकते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, क्या अगर थीटा बढ़ाने से साइन थीटा की वैल्यू, थीटा बढ़ाने से साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है क्या? तो चेक करते हैं, इधर देखो, मैं थोड़ा सा चीज समझाता हूँ, इधर देखो, जैसे एक वैल्यू 0 डिग्री, तो 0 डिग्री साइन 0 कितना होता है? 0। अच्छा, वैल्यू बढ़ाना है, थीटा की वैल्यू बढ़ाना है, तो हम साइन 30 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? साइन 30 कितना होता है? 1/2। 0 से बड़ा है ना क्या? 1/2। अच्छा, कुछ और बढ़ा लेते हैं, साइन 45 डिग्री कितना हो गया? 1/√2 कितना हो गया? 1/√2। देखिए, अगर आप 1/2 को अगर आधा करेंगे 1/2 को, तो ये 0.5 होता है, लेकिन 1/√2 लिखेंगे तो 1/√2 कितना होता है? 1.414, है ना? ऐसे अगर आप यहाँ से हटाएंगे तो ये 10 आएगा, और 10 को अगर 14 रूपये से भाग करा जाए तो वो आधा से ज्यादा आएगा, क्या आएगा? आधा से ज्यादा, तो ये वाली वैल्यू बढ़ गई। अगर मैं साइन 60 की वैल्यू समझाऊ तो √3 कितना होता है? √3/2 होता है, √3 1.7321 होता है, ठीक है? तो आप 1.73 ले लो और 2 से अगर आप डिवाइड करो, वैसे ही पता, मान लो कि अगर ये यहाँ से हटेगा नीचे, अगर 100 आता है, अगर आप 2 से डिवाइड करने जाओ तो 173 को 2 से भाग करोगे तो लगभग ये 8 × 2 = 16 मतलब 8 point something आएगा, तो ये कुछ भी करके जब आएगा तो मतलब 8 point something मतलब 0.88 भी अगर आता है तभी वो इससे ज्यादा है। इसका मतलब ये बात सही है कि मतलब थीटा की वैल्यू बढ़ने से साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन अभी तुम लोग चूंकि ये बात नहीं पता है, ये पीरियोडिक फंक्शन होता है, मतलब एक सर्टेन टाइम में ही अपना वैल्यू रिपीट करेगा, है ना? ये नहीं कि अभी इससे ज्यादा हो जाएगा। देखो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 1 होगा, कितना होगा? 1। तो क्या बोलो? 1। यानी 1 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है। मुझे बताओ 1 बड़ा कि 3/2 बड़ा? 1 बड़ा। 1 बड़ा। अच्छा, इसमें से कोई भी वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू बोलेंगे आज के बाद, तो 1 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 और इसकी मिनिमम वैल्यू -1, यानी साइन का जो वैल्यू होता है वो +1 और -1 के बीच में ही होता है। आप जो भी आज तक पढ़े, तो इसका अगर फोटो देखा जाए ना कि साइन थीटा का फोटो कैसे बनता है, तो इसका फोटो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखो ये क्या है, ये बनता ऐसे है,
कि इसकी अधिक से अधिक ये प्लस वन तक जाए, कहां तक? प्लस वन तक, और कम से कम कहां तक आएगा? माइनस वन तक। इसी के बीच में ही साइन है, साइन का ग्राफ बनता है जीरो से, है ना, ऐसे, ठीक है, इसी को साइनोसॉइडल ग्राफ हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये जब आप सीनियर क्लास में आएंगे तो आपको पता लगेगा ये साइन का ग्राफ है। तो साइन कहां से कहां में मर रहा है, देखो प्लस वन से लेकर के माइनस वन, इससे बाहर है क्या होते हैं? नहीं है, इसी में। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन और मिनिमम वैल्यू माइनस वन होता है, ठीक है। तो ये बात सही है कि यहाँ ये जो है मतलब थीटा बढ़ने से साइन की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। वो आगे आपको बताएंगे, ये जीरो डिग्री कहलाता है, ये पाई कहलाता है ना, यहाँ पे ये पाई बाई टू होता है ना, मतलब 90 डिग्री 180 डिग्री ऐसे होता है। अच्छा, अगर कॉस के बारे में देखा जाए तो अगर मैं कॉस की बात करूं, देखो कॉस जीरो आपको पता है वन होता है, कॉस 30 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है? रूट थ्री बाई टू, है ना। कॉस 45 आपको पता है कितना होता है? ना वन बाई टू। तो यहाँ देख रहा वैल्यू घट रहा है, क्या हो रहा है? घट रहा है। वन बड़ा नंबर है, किससे? रूट थ्री बाई टू से, वन बाई टू से, इन सबसे बड़ा है। तो वैल्यू घट रही है, यानी थीटा तो बढ़ रहा है। देखो ध्यान से, इधर से थीटा बढ़ रहा है, जीरो के बाद 30 आ गया, 30 के बाद 40 आ गया, लेकिन इधर वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। तो द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस, कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू बढ़ने से कॉस थीटा की वैल्यू घट रही है, बढ़ नहीं रही है, तो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अच्छा, यहाँ पे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, मैं सबसे पहले क्लास सबसे पूछा हूँ तो मैं यही बात समझा रहा था कि उस समय थीटा हमारा 45 डिग्री होना चाहिए, कितना होना चाहिए? कभी इधर 1/√2 और इधर भी 1/√2। सारे थीटा के लिए बात सही नहीं है, इधर 30 रखो, इधर 30 रखो, बराबर आएगा? नहीं आएगा। इधर 30 और इधर 60 में बराबर आएगा, इसका मतलब एक ही वैल्यू है 45 डिग्री, है ना, जो कि ये बात क्या होगा? सही होना चाहिए, लेकिन ये पूरे ऑल थीटा के लिए बात गलत है। तो हम क्या कहेंगे इसको? ये भी फॉल्स है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा बताइए टैन जीरो कितना होता है? जीरो। तो कॉट जीरो क्या होगा? नॉट इफाइड। तो ये बात बिल्कुल क्या है? सही, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 8.2 का जो है एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए, है ना। अगली क्लास में 8.3 डिस्कस कर लेंगे, अब तरीके आप हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर डिस्कस करते हैं।